स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम शतक का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने, युवाओं और बच्चों में दिख रहा है मैच का उत्साह। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव अहमदाबाद पहुंचे वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला, दीपिका रणवीर सिंह भी हुए स्पॉट। सबसे बड़ा खिताबी रन आज, पहली बार 1.5 लाख के करीब स्टैंड में देखेंगे लोग फाइनल, व्यूअरशिप रिकॉर्ड भी टूट सकता है। टीम इंडिया के लिए प्रार्थनाएं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी बोले 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराकर बदला लेगी टीम इंडिया। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा पाठ, काशी में गंगा आरती, लखनऊ में संडे के दिन स्कूल पहुंचे बच्चे, मेरठ के मदरसों में भी हुई दुआएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल का नजारा, सुबह से ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर दर्शकों का हुजूम, 10 बजे से एंट्री हुई शुरू। वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर हरियाणवियों में जोश, खिलाड़ियों पर डिश का नाम, मॉल होटलों में बड़ी स्क्रीन, स्पेशल डिस्काउंट, कांग्रेसियों का जीत के लिए हवन किया। उदयपुर में बड़ी स्क्रीन पर लाइव वर्ल्ड कप, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच देखने के लिए सिनेमा हॉल में भी बुकिंग, सैलानियों के लिए होटलों में भी सुविधाएं। शपथ लेते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने दिखाए तेवर, भारत से किया सेना हटाने का अनुरोध, चीनी समर्थक हैं चीन मुइजू। जब केसीआर सबसे भ्रष्ट तो क्यों नहीं भेजी ईडी और सीबीआई, एक्टर विजय शांति का बीजेपी पर हमला, विजय शांति ने बीजेपी के साथ की थी राजनीतिक करियर की शुरुआत। युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू की कर देनी चाहिए गोली मारकर हत्या, बोले कांग्रेस सांसद राजमोहन उत्तरीयथन। भारतीय नौसेना गाजा से लोगों को निकालने के लिए तैयार, एडमिरल हरि कुमार बोले ओमान अदन की खाड़ी और लाल सागर में तैनात है एक यूनिट। एमपी की 34 सीटों पर महिलाओं की बंपर वोटिंग, ट्रेंड 2018 जैसा, लाडली बहना का लाभ, नारी सम्मान के असर का भी दावा है। उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स बैन, मुंबई दिल्ली और चेन्नई की 4 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर, इन पर टेरर फंडिंग का भी है आरोप। मणिपुर हिंसा पर 10 पार्टियों का डेलीगेशन राज्यपाल से मिला, कहा पीएम मोदी के दखल दिए बिना राज्य में शांति कायम नहीं हो सकती है। बुलंदशहर में कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला, तहसील सभागार में बैठक का आयोजन, सभी की ओर से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। देवरिया में महापर्व छठ का तीसरा दिन, डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, छठ को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। प्रयागराज में 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन, 800 से ज्यादा धावकों ने मैराथन में लिया हिस्सा, राज्य खेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बुलंदशहर में ऑपरेशन कराने पहुंची महिला के साथ दुर्व्यवहार, 2 बच्चों के बाद होना था महिला का ऑपरेशन, डॉक्टर ने महिला को बेहोशी की हालत में ओटी से बाहर निकाला।
बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लाखों के गहने नकदी के साथ नाबालिग को किया गिरफ्तार। सलेमपुर थाना क्षेत्र के में कुछ दिनों पहले हुई थी ये चोरी। गोंडा में चोरों के छठ पूजा की तैयारियां, छठ तैयारी का जायजा लेने पहुंचे कई अधिकारी। गोंडा में कई जगह लगता है छठ पर्व का मेला। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का हमीरपुर दौरा, विभागीय परियोजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे मंत्री। लखनऊ में जानकीपुरम में पूर्व पार्षद की गुंडई आई सामने, घर में घुसकर पूर्व प्रधान अनवर परिवार को पीटा। हमले में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। देवरिया के सलेम ओवर ब्रिज के पास से बाइक चोरी, बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित ने घटना को लेकर थाने में दिया आवेदन। लखनऊ में आलमबाग स्थित खालसा चौक चौराहे का लोकार्पण, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौराहे का किया लोकार्पण। सिख समाज को समर्पित खालसा चौक का लोकार्पण। वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने, लखनऊ में वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। मां को ही बेरहमी से मार डाला, बेटे की कई हरकतों से वाकिफ थे डीएसपी, हवालात में कबूलनामा सुन टूट गए बुरी तरह से। यात्रा के इतिहास में बना रिकॉर्ड, 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। रामपुर में घुसकर को एनकाउंटर में मार गिराया, घेराबंदी की तो कार गड्ढे में पलटी, पुलिस पर फायरिंग। यूपी में 24 घंटे में दूसरा बदमाश ढेर। एसटीएफ की दो गोली कालिया के सीने के आर पार हुई, राशिद कालिया ने जिसकी हत्या की उसकी मां बोली 15 साल बाद दुआ कबूल हुई। मां ने शमी से कहा बेटा वर्ल्ड कप चाहिए, शमी की हुई अम्मी से बात, बोले सोचा नहीं था बेटा इतना नाम रोशन करेगा। छठ के लिए बिक रहा है 2500 में 12 पीस आम, गोरखपुर में अल्फासो आम से छठ पूजा करेंगी महिलाएं, विदेश में भी है इसकी डिमांड। यूपी में कांग्रेस का नया अवतार, सपा बसपा को उन्हीं के दावों से चित करने की तैयारी, हर पार्टी के दिग्गज नेताओं को साथ लाने में जुटी है। यूपी के तीन लड़कों की कहानियां जो फाइनल में है, पत्नी के तानों से मजबूत हुए शमी, कुलदीप क्रिकेटर बने इसलिए पिता ने शहर छोड़ा। भारत ने फिलिस्तीन को भेजी 32 टन राहत सामग्री, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस से उड़ा C-17 ग्लोब मास्टर। कान्हा की नगरी में योगी पर बरसाए फूल, लोग बोले देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया, सीएम ने बांके बिहारी में दर्शन किए। बरेली में पति ने पत्नी की किया कत्ल, अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर जंगल में जलाया शव, इसी शाही क्षेत्र में हो चुकी है 6 महिलाओं की हत्या। टीम इंडिया की जीत के लिए खिलाड़ियों ने की कामना, इटावा में क्रिकेट प्रेमियों को जीत का बेसब्री से इंतजार, टीम की जीत पर है भरोसा। चोरी हुई टंकी उद्यान विभाग के गोदाम में मिली, आगरा में उद्यान प्रहरियों ने ढूंढी तो 2.5 महीने से थी गायब। राजू की डेड बॉडी से पढ़ाई करेंगे एमबीबीएस के छात्र, प्रयागराज के एमएलएन मेडिकल कॉलेज में हुआ 84वां देहदान।
पानीपत की महिला का हाफ माइंड से निकाह, दहेज के लिए ससुराल वालों ने की मारपीट, 4 माह के गर्भावस्था में घर से निकाला। संभल में विश्व कप क्रिकेट का खुमार, सालाना और संपन्न सूफी संतों ने विश्व कप के में भारत की जीत की मांग की है दुआ। आलमबाग का टेढ़ी पुलिया अब खालसा चौक, सीएम योगी ने लोकार्पण किया, पास में बनाया जा रहा है ऐतिहासिक साहिबजादे पार्क। चंदौली में छठ पूजा पर रूट डायवर्जन, 2 दिन पीडीडीयू नगर और चंदौली में मालवाहक वाहनों ने नो एंट्री, चौराहे पर तैनात रहेगी पुलिस। मीराबाई ने वृंदावन में किया भजन, मेवाड़ छोड़कर 500 साल पहले आई थी, पहचान खो रहे मंदिर को हेमा मालिनी ने दी पहचान। मां को ही बेरहमी से मार डाला, बेटे की कई हरकतों से वाकिफ थे डीएसपी, हवालात में कबूलनामा सुन टूट गए बुरी तरह से। टमाटर हुआ लाल, प्याज निकालने लगा आंसू, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, आमजन को सब्जी खरीदने में छूट रहे पसीने। सिलक्यारा सुरंग हादसे में तकनीक के साथ आस्था का सहारा, कंपनी ने टनल के बाहर स्थापित किया भोकनाथ देवता का मंदिर। निर्माण की कछुआ चाल, मेडिकल कॉलेज बनने में लग जाएंगे कई साल, सुस्त रफ्तार पर सख्त हुई सरकार। गेस्ट हाउस में चल रहा था देव व्यापार का धंधा, पुलिस ने मारा छापा, 4 महिला सहित 7 लोग गिरफ्तार। यूपी पुलिस के सीओ की पत्नी की हत्या, बेटे ने ही मां को लोहे की रॉड से वार कर मार डाला है। शीतकाल के लिए बंद हुए धाम के कपाट, गूंजे जय बद्री विशाल की जयकारे, 4 धाम यात्रा का भी समापन। योग नगरी आने जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब 22 बोगी वाली ट्रेन का होगा संचालन, अभी तक यहां से 16 बोगी वाली ट्रेन ही संचालित होती थी। आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंची एसीएस राधा रतुड़ी, सिलक्यारा का जाना हाल, अधिकारियों ने उन्हें बताया कि टनल में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। उद्यान विभाग घोटाले में अब सीबीआई करेगी मामले की जांच, हाईकोर्ट के आदेश पर हासिल किए दस्तावेज। प्राकृतिक नहीं इंसानी भूल का नतीजा है सिलक्यारा हादसा, भूवैज्ञानिक ने जताई लापरवाही, हिमालय के लिए सुरंग निर्माण सबसे सुरक्षित। उत्तराखंड में 10 महीने में 1367 सड़क हादसे, कुमाऊं में 373 लोगों ने खोई जिंदगी। देहरादून में गिरा पारा, गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ 3 दिवसीय बग्गाबाई कौतिक का समापन, नेहरू युवा मंच के कलाकारों ने छोलिया नृत्य प्रस्तुत किया। पीपलपानी में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों का वाहन खाई में गिरा, 8 ने तोड़ा दम, घायलों को ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से सड़क तक पहुंचाया। बच्चों और महिलाओं को रिहा करने के लिए हमास राजी, अमेरिका और इजराइल के साथ किया स्थायी समझौता।
गाजा का अलशिफा अस्पताल बना कब्रगाह, WHO का खुलासा, हॉस्पिटल के अंदर 80 लोगों की दिखी कब्र। अलशिफा से भाग रहे सैकड़ों लोग, UN ने अस्पताल को बताया डेथ जोन। अस्पताल के गेट पर 80 लोगों को दफनाया गया है। हजारों की संख्या में नेतन्याहू के दफ्तर के आगे जुटे प्रदर्शनकारी, बंधकों को छुड़ाने की मांग, बोले अभी घर लाओ। हजार लोगों ने घेरा नेतन्याहू का ऑफिस, इजराइल ने 2 स्कूल पर किया हमला, कई लोगों की मौत। पंद्रह करोड़ साल बाद एशिया में मिला वो महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था अलग, वैज्ञानिकों का है बड़ा दावा। मोदी के साथ वर्ल्ड कप फाइनल देखने से पहले ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम ने लगा दी चीन की क्लास, ऑस्ट्रेलियाई सैन्य गोताखोर हुए घायल। स्पेस एक्स का स्टारशिप दोबारा हुआ फेल, धमाके में उड़ गए एलन मस्क का सपना, नासा ने स्पेस एक्स की टीम को दी बधाई। आंधी तूफान, भारी बारिश से दुबई की सड़कों पर आया सैलाब, हवाई सेवाओं भी हुई प्रभावित, अलर्ट है जारी। जिनपिंग से बाइडेन बोले आपकी कार खूबसूरत, मेरी बीस्ट है। चीन राष्ट्रपति ने अपनी कार दिखाई, कहा मेरी वाली रेड फ्लैग है। सस्ते शेयर ने 6 महीने से किया पैसा डबल, अब सरकार से मिला कंपनी को मोटा ऑर्डर। आईटी हार्डवेयर सेक्टर में आएगी नौकरियों की बहार, 50,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार, 23 कंपनियां प्रोडक्शन कर रही शुरू। नहीं रहे करेंसी संकट से निकालने वाले एस वेंकटरमणन, RBI के पूर्व गवर्नर का हुआ निधन, गवर्नर बनने से पहले वे वित्त सचिव रह चुके थे। कश्मीर ग्रोवर की बढ़ गई मुसीबतें, अब EOW से आया बुलावा, पत्नी को भी मिला समन। होगी टिकट की बुकिंग, भारत की कई ट्रेनों में मिलने वाली है ये सुविधाएं। भारतीय छात्रों के लिए पहली पसंद बना अमेरिका, चीन को भी पीछे छोड़ा, लगातार 3रे साल अमेरिका बना पहली पसंद। IPO से पहले ओला इलेक्ट्रिक ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं रही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी पर कतर पर ने में बड़ा एक्शन, टैक्स डिपार्टमेंट ने लगाई करोड़ों की भारी भरकम रक पेनाल्टी। आसान नहीं रह जाएगा पर्सनल लोन लेना, RBL बैंक SBI कार्ड को सबसे ज्यादा नुकसान। संस्थापक सैम अल्टमैन ने को OpenAI ने CEO पद से हटाया, प्रेसिडेंट ब्रॉकमैन ने भी की दिया है इस्तीफा। वर्ल्ड कप से भारत के आर्थिक विकास को रफ्तार, GDP को मिलेगा 22,000 करोड़ का बूस्ट। डायरेक्ट थ्रो और स्लाइड लगाकर गेंद रोकने के साथ कई हुनर में माहिर हैं ऑस्ट्रेलियाई, उसके खिलाड़ी एक रन रोकने के लिए भी पूरी जान लगा देते हैं।
रोहित शर्मा को याद आई धोनी की कप्तानी। 2007 वर्ल्ड कप का किया जिक्र। भारत ने आखिरी वर्ल्ड कप 2011 में जीता था और तब महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान थे। रोहन बोपन्ना ने एटीपी फाइनल्स में रचा इतिहास। मैथ्यू एबडेन के साथ अंतिम चार में पहुंची। अहमदाबाद में 75 प्रतिशत वर्ल्ड कप मैच चेजिंग टीमों ने जीते। पहले बैटिंग में 300 प्लस रन जीत की गारंटी। ओसाई तो रन चेज भी आसान है। विराट कोहली के घर पहुंचे सांसद दीपेंद्र मां से मिले। 50 शतक पर बधाई, बोले परिवार का हरियाणा में रहना दोहरा गर्व है। महिलाओं ने खेला था पहला वर्ल्ड कप। फाइनल से पहले मिली थी 1975 वाले मेंस वर्ल्ड कप को हरी झंडी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पार्किंग की नो टेंशन। स्टेडियम के चारों ओर 14 पार्किंग प्लॉट्स तैयार। 15,000 टू व्हीलर और 4,750 फोर व्हीलर हो सकेंगे पार्क। 31 साल से चौकस साबित हो रहा था साउथ अफ्रीका। वनडे और टी20 में 16 वर्ल्ड कप में से 13 सेमीफाइनल खेले, 100% हार। श्रीलंका सरकार ने पूर्व कप्तान के बयान पर माफी मांगी। अर्जुन रणतुंगा ने कहा था कि जयशाह की वजह से श्रीलंका क्रिकेट का बुरा हाल। सोनू सूद से लेकर रवीना टंडन तक वर्ल्ड कप को लेकर फिल्मी सितारों में दिखा क्रेज। उर्वशी रौतेला ने दी बधाई। वो नाबालिग लड़की को डेट कर रहा था। अनुराग डोभाल ने मुनव्वर फारूकी को लेकर किया बड़ा दावा। मनारा चोपड़ा के उड़े होश। बेस्ट फ्रेंड की बारात में जमकर थिरके सिद्धार्थ मल्होत्रा। काला चश्मा पहन लूटी महफिल। फैंस बोले ऐसा दोस्त सबको मिलना चाहिए। कृष्णा आदित्य के बर्थडे बैच में दोनों बच्चों संग पहुंची अंबानी परिवार की बहू श्लोका मेहता। ट्विनिंग करते दिखे पृथ्वी वेदा। फरे की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे सलमान खान। भांजी की फिल्म को इस तरह किया सपोर्ट। बॉक्स ऑफिस पर चमके सलमान खान के सितारे। टाइगर 3 के एक हफ्ते की कमाई तगड़ी। फिल्म कल हो ना हो छोड़ना चाहते थे शाहरुख खान। शूटिंग के दौरान पड़ गए थे बीमार। मेकर्स ने किया था रिकवर होने का इंतजार। विकिपीडिया से ब्लॉक हो चुकी है फातिमा सना शेख। एक्ट्रेस ने कहा मैंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, शादी और शूट किया करती थी। वरुण को खाना शेयर करना पसंद नहीं। पेपराजी ने एक बाइट खाना मांगा तो एक्टर ने कहा शेयर करने वाली चीज नहीं है भाई। सऊदी अरब में फिल्म शूट करने के लिए 35% सब्सिडी। फिल्म समीक्षक अजीत राय बोले वहां 2030 तक सबसे बड़ी सिनेमा इंडस्ट्री बनाने की है तैयारी। जारी रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।